जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए अच्छा था ना। नहीं लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जाके आए हैं। मैं गया था वहाँ SCO की मीटिंग के लिए, तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए। देखिए आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। और हमने देखा कि वजीर खारजा हिंदुस्तान के, उन्होंने कोई इंटरव्यूज भी नहीं दिए, तो उन्होंने जो है अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेंड रखा, ज्यादा बात नहीं की और वो वापस चले गए। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया। इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं। आपको मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं, भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जंगे लड़ी, अब हम जंग इंडिया के साथ जंग कभी नहीं। जयशंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट, देखें उनका काम यह है चीजों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, ताल्लुकात बेहतर कर ले नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से, तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी। कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया मोदी ने, उस पर बात नहीं कर रहे और बेताब है मोदी से मिलने के लिए नवाज शरीफ। तकाजा भी यही है कि हमारे जो है ना रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर हो जाए। नवाज शरीफ साहब तो मोदी का खुद इस्तकबाल करना चाहते हैं, साथ उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलना चाहता हूं, मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूं। तो भारतीय मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव जेस्चर समझ रहा है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी तारीफ होती है। अगर यही नवाज शरीफ साहब यही बात 4 साल पहले कहते थे, कहने से कौम का गद्दार है। आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें। जयशंकर क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए आप कोई भी उम्मीद ना रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं, भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है, बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आपको, आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम, नो आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि ये आलम इस्लाम के चैंपियन है, पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, बात है आपके पास लेवरेज क्या है। देखिए एक कमजोर है, एक छोटा है, एक ताकतवर है, एक बड़ा है, और आप हमसाए हैं, ठीक है। ये बात भी जाहिर है कि बिल्कुल नेचुरल है कि जुग्राफिया तब्दील नहीं किए जा सकते, कौमें जो हैं, मुल्क जो हैं, वो अपने हमसाए नहीं बदल सकते। अब बात है ये देखिए पावर डायनेमिक्स की ये बात होती है ना, सिर्फ शोर मचाना, रौला डालना और अपने आप को विक्टिमहुड साबित करके जो है हम इंडिया से कोई चीज मनवा, ना इंडिया से मनवा सकते हैं ना दुनिया से मनवा सकते हैं। तो हमें हर शख्स को देखे, ये होती है बार्गेनिंग है ना आपके और मेरे दरमियान। तो मैं भाई आपको, मैं मुझे आपकी ताकत को और अपनी ताकत को सामने रख कर ही आपसे मुझे निगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं उठा के आओ फेंक दूं, जाओ अरवंद साहब मैं आपसे बोलता नहीं हूं, आपसे मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप हंसेंगे मुझ पर, क्या पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है, आगे आप यही कहेंगे ना।
तो बात ये है कि भाई वो जो ये हैं बहाने, ये को पहला बहाना है 47 से लेके आज तक के जो हमारे इंडिया के साथ तालका था रहा, ये 370 मौजूद था ना, तो इसने क्या पॉजिटिव रोल अदा किया था भाई, कौन से हमारे इसने इसकी वजह से बड़े अच्छे तालकात हो गए और हमने सोचा कि भाई कश्मीरियों को एक इंटरनल इटोनमी मिली हुई है इस आर्टिकल की वजह से, और हम जो हैं कोई किसी मुस्बत प्लान की तरफ चलते, तो ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये हैं बहाने हैं लड़ाई के झगड़े के मेरे तो ख्याल में। अब अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, इस रीजन के इंटरेस्ट को सामने रखें, दुनिया के ओवरऑल पीस और डेवलपमेंट को सामने रखें, तो भाई ये इन चीज़ों की ये इंडिया के इंटरनल मामला करार देने चाहिए हमें। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इट्स ओके फाइन, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट भी रख सकते हैं, अपनी कोई दरख्वास्त भी रख सकते हैं कि भाई ऐसे ना करें। ठीक है, बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ एक आप वाले कश्मीर के साथ हमेशा से अटैच हैं, तो एक रिक्वेस्ट तो की जा सकती है, ब्लैकमेल, इंडिया को हम ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं कि जाओ हमने तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करनी। जय शंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट, देखें उनका काम यह है चीज़ों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है, यू शुड वर्क फॉर दिस। अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डिज़ायर है कि वो चाहता है कि भारत के साथ जो है वो मामलात नॉर्मलाइज किए जा सकें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज रेड कारपेट बिछाया है डॉक्टर जयशंकर के लिए, और वो रेड कारपेट जो है दैट इज़ बिकॉज के हम समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस खत्ते का, और इसकी वजह से हम जारी बात है उसको रिसीव कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इंडियन लीडरशिप इस मसले में बिजी रहती है, और वो कल भी जब स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही कहते हैं जी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को जारी बात है टफ वो देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखना क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक अम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी कि जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बेग फॉर डायलॉग विद इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है आज तक, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू ऑन इंडिया। वो एक उनका एक और स्टाइल है, ठीक है जी। सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। वो सारे बातें कर रहे हैं डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान के रिटायर्ड सारे डिप्लोमेट कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो पंजाबी कहते हैं इंडिया पावन चंद दे साउथ पोल तो नॉर्थ पोल तो भी टोर जाना, द क्वेश्चन इज ऑलवेज इंडिया एंड पाकिस्तान की बात होगी। अगर इंडिया ये कहना जी कि हम जनाब इस वक्त नॉर्थ पोल से किधर और उतले पोल तो टोर गए हैं, इट डजेंट मैटर। द पॉइंट इज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द हिस्ट्री, दे वी हैव बीन टूगेदर वंस, एक वो जैसे कहते ना एक चीज रही थी, तो वो उस चीज को किया है। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है जिसको चार गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और ये तो नेचुरल रूट है यार, वाघा अटारी वाघा से लेते हुए सेंट्रल एशिया तक, इसमें पाकिस्तान की जीरो इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफिट है कि आप लेवीज लें, टैक्सेस लगाएं, और इस इलाके के अंदर जो लोगों की जो मेयार जिंदगी इतना लो है उसको बेहतर किया जाए। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आम अकल की बात है, एनी सेंसिबल पर्सन शुड अग्री टू दैट। तो ये अच्छा था जो उन्होंने बरकत दाद के साथ जो बात की है, इट वॉज वेरी पॉजिटिव। ठीक है यार, आप अपने पाओ पे खुद को लाड़ी मार रही हैं यार अपने जो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये हमारी साइड पे कोई वाकयातन रियलाइजेशन हो कि हम इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट हैं,
और हमारी पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, जो खुशहाली है, जो पीस है, उसको जब तक हम इन चीजों को वैल्यू नहीं करेंगे और कश्मीर कश्मीर की हम तांग लगाए रखेंगे, तो भाई अब आपको पता है इस सारे अरसे में जब से ये 370 वाला वाकया हुआ है इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हमें तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं है, ये तक कहा हुआ है ना, ये एटीट्यूड है इंडिया का हमारे साथ जाहिर है। और ये बिल्कुल और उनका ये एटीट्यूड नेचुरल है, तो भाई हमारे क्यों हमारे पांव छुए हैं, वो क्यों हमारे में आके हैं कि ओ नहीं नहीं आप तो रूठ गए हैं, आप तो जो है आपको बहुत बड़ी तोप चीज है, वो भाई हमारी को आती कोई नहीं है, हम कर्जों पे एक जो है भीख मांगने वाली हम स्टेट है, लेकिन हमने जंगे लड़ी, अब हम जंग इंडिया के साथ जंग कभी नहीं होगी, ठीक है, हमने ये यहां से लोग वहां भेजे, अनरेस्ट कराया कई कई साल श्रीनगर में, क्या कुछ नहीं होता रहा, अब हम ये काम ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो बिला इश्तियार फायरिंग हुआ करती थी मेरे शहर सियालकोट के बॉर्डर पर, जमाना हो गया कोई बिला इश्तियार कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में हमारे पास जो ये लड़ाई इस क्लैश को प्रोलॉन्ग करने की सस्टेन करने की जो कुवतें थी वो वक्त ने ही ख़त्म कर दी हैं। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास सच्ची बात है कि दो काम हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो, ठीक है, हम बहुत लूज कर चुके हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है, और यूं पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता डेफिसिट के ऊपर और फॉरेन लोन्स के ऊपर हम नहीं चल सकते, ठीक है। जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए अच्छा था ना? नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जाके आए हैं और स्पेकुलेशन अगेन हमारा काम है करना कि नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। सॉरी, स्पेकुलेशन क्या? नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को? मैं उनसे तो नहीं मिला था पर और मैं गया था वहाँ SCO की मीटिंग के लिए, और जैसे मैंने पहले से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, आई एम गोइंग देयर फॉर SCO मीटिंग, आई एम अ गुड SCO मेंबर, आई विल बी वेरी सपोर्टिव, एंड वी वर, इट वाज अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंसी ऑफ SCO, वी वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, ऑल ऑफ अस हैड एन इंटरेस्ट कि SCO की प्रोसीडिंग जो है बहुत स्मूथली चले, तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस।